यहाँ देखो भाई डेफिनेशन कॉग्निशन की क्या डेफिनेशन होती है या प्रेजेंटेशन की क्या डेफिनेशन होगी वो पढ़नी है, जो पीछे समझाया था वही यहाँ पे वर्डिंग में लिखे हैं। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एप्टाइजेशन प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस कन्वर्ट कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल्स इनटू फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल बाय यूजिंग सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कोगुलेशन या कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन प्रोसेस एंड दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड कोगुलेटिंग या प्रोगुलेटिंग एजेंट, जो पीछे समझाया था उसी को हमने डेफिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जिसके बाद में एग्जांपल ले लो, चलो एग्जांपल लेने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कोगुलेटिंग या प्रोगुलेटिंग एजेंट, क्योंकि जो मेन वर्किंग है वो क्या कौन वर्किंग कर रहे हैं आप कोगुलेटिंग एजेंट या प्रोगुलेटिंग एजेंट की तो बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कोगुलेटिंग या प्रोगुलेटिंग एजेंट का कंसेप्ट है। तो पहले हम कोगुलेटिंग एजेंट की वर्किंग देखते हैं, ठीक है, किस टाइप से कोगुलेटिंग एजेंट या प्रोगुलेटिंग एजेंट कोगुलेशन में काम करते हैं वो कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो देख लेते हैं वर्किंग ऑफ कोगुलेटिंग और प्रोगुलेटिंग एजेंट, पहले समझ लो उसके बाद हम इसको लिखेंगे। जैसे मान लो अपने पास एक नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल्स दे दिया, वी टेक नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट ऑफ एजीआई। ओके, अपने पास एक नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल दे रखे हैं, दिस इज नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट ऑफ एजीआई। ओके, हमें क्या करना है, इसका कोगुलेशन करना है। कोगुलेशन मतलब इस कोलाइडल सॉल्ट को फ्रेश प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये तो क्या ले गया और जीरो चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया, तो क्या होगा इस कोलाइडल सॉल्ट के सरफेस पे
क्या होगा, कंप्लीट जीरो चार्ज फॉर्म हो जाएगा एंड इट कन्वर्ट इनटू फ्रेश प्रेसिपिटेट। सर ना आगे हमें तो क्या करना था, चार्ज को न्यूट्रल करना था, तो चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए अपोजिट चार्ज पार्टिकल यहां पे लेके चलोगे और ये जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल होगा ये क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड कोगुलेटिंग एजेंट या प्रोपेलेटिंग एजेंट। ओके, तो जैसे ही एनए प्लस नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी गेट फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स ऑफ एजीआई व्हिच हैव जीरो चार्ज, जिस पे कोई चार्ज होता नहीं है। साथ में क्या हुआ, एन पार्ट एन ए जो भी नेगेटिव था वो नेगेटिव मतलब कैटायन से कनेक्ट होगा और ये न्यूट्रल करके एलिमिनेट हो जाएगा। समझा गया, तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट है कोगुलेटिंग एजेंट है उसकी वर्किंग क्या है, क्या काम करता है ये जो एजेंट होगा वो कोगुलेशन में कोलाइडर जोन के चार्ज को न्यूट्रल करता है। ओके, कोलाइडर जोन के चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक्ट एज फ्लोकुलेटिंग एजेंट यहाँ पे यूज करते हैं जो क्या करेगा चार्ज को कंप्लीटली जीरो कर देगा और जीरो करने के बाद इट कन्वर्ट इनटू फ्रेश फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स। तो वर्किंग समझ में आ गई कोगुलेटिंग एजेंट की, क्या ये कोलाइडर सोल के सरफेस को न्यूट्रल करते हैं, मतलब सीधी बात ये है कि जो कोलाइडर सोल है उसके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जो पार्टिकल लेके चलोगे वो एजेंट की तरह काम करेगा और ये कंप्लीटली जीरो चार्ज डेवलप करते हैं। ठीक है, करो भी देखो यहाँ पे नेगेटिव कोलाइडर को लेके चले तो एजेंट कौन सा लोगे, पॉजिटिव अपोजिटिव, ध्यान देना इफ वी हैव नेगेटिव कोलाइडर सोल देन वी यूज पॉजिटिव कोगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, अगर अपने पास नेगेटिव कोलाइडर सोल है तो कोगुलेटिंग एजेंट क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव। दूसरा केस इफ वी हैव पॉजिटिव कोलाइडर सोल देन वी यूज नेगेटिव कोगुलेटिंग एजेंट। सही है, नेगेटिव कोलाइडर सोल हुआ तो पॉजिटिव कोगुलेटिंग एजेंट लेके चलना, अगर पॉजिटिव कोलाइडर जोन लॉग है तो नेगेटिव कोगुलेटिंग एजेंट या फिर कोगुलेटिंग एजेंट लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो वर्किंग समझ आए, ये कोलाइडर जोन के चार्ज को न्यूट्रल करता है, इसे किसी बात नहीं है। जिसके बाद अपने पास एक एग्जांपल और है, ये तो क्या था नेगेटिव कोलाइडर सोल का था, हमारे अपने पास एक दूसरा एग्जांपल है, वी टेक पॉजिटिव कोलाइडर सोल, वी टेक पॉजिटिव कोलाइडर सोल ऑफ पॉजिटिव कोलाइडर सोल या n नंबर ऑफ सीएम एटम। सही है,
एन नंबर ऑफ सी एन एक्टिव लेके चले गए। तो जैसे ये कोगुलेटिंग एजेंट या परकोगुलेटिंग एजेंट या तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट इस पॉजिटिव कोलाइडर जोन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कनेक्ट हो गया। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, न्यूट्रल और न्यूट्रल होने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी गेट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मिलता है किसका, एजी आई का। ओके, यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं है, जीरो चार्ज यहाँ पे आ चुका। तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन। और यहाँ पे जो एग्जांपल लोगे वो कोगुलेटिंग एजेंट या प्रोगुलेटिंग एजेंट। ओके, चलो अब हम बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग हमने समझ तो ली, पर इसको तो लिखना भी है, तो कैसे लिखोगे वो देखो। वर्किंग ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट, हाँ भाई, वर्किंग ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट और प्रोगुलेटिंग एजेंट, तो केवल एक लाइन है यहाँ पे, क्या इट न्यूट्रलाइज्ड द चार्ज विच प्रेजेंट ऑन कोलाइडर फ्लोर एंड कन्वर्ट इनटू प्रेसिपिटेट। ओके, ये चार्ज को न्यूट्रल करने में हेल्प करते हैं और कोलाइडर फ्लोर को फ्रेश प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो हमने एग्जाम्पल ले लिया था कोगुलेशन का, अब यही एग्जाम्पल थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लिए। हमने पीछे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पढ़ी थी जिसमें दो लेयर आई थी, तो फिक्स लेयर आई थी और एक डिफ्यूज लेयर आई थी। तो वो कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे क्या होते हैं। देखो, ये तो सिंपल एक्सप्लेन किया, ये पॉजिटिव कोलाइडर फ्लो लेके चले थे। दूसरा एग्जाम्पल मान लो हमने नेगेटिव का लिया था, तो लैब कर लो कि अपने पास एक नेगेटिव कोलाइडर फ्लो है, किनका, ऑफ एज है, वी हैव नेगेटिव कोलाइडर फ्लो ऑफ सिल्वर आयोडाइड। अब नेगेटिव कोलाइडर फ्लो है तो यहाँ पे कंप्लीटली क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इसके सरफेस पे। अच्छा, कौन सा नेगेटिव है, आयोडाइड आयंस लेके चले, आयोडाइड आयंस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कोण में लेके चले हो, आयोडीन प्रेजेंट है इसके सरफेस पे, तो ये तो पहले लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब जैसे ये कोलाइडर फ्लो कोगुलेटिंग एजेंट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, एक लेयर तो पहले से यहाँ पे फॉर्म हो रही है कोलाइडर फ्लो की, कोलाइडर फ्लो के सरफेस पे पहली लेयर तो फॉर्म होगी नेगेटिव चार्ज की। अब जैसे ही एजेंट इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो दूसरी लेयर और फॉर्म करेगा, दूसरी लेयर मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेयर और प्रेजेंट होगी, Na+ 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 इस टाइप से। ठीक है, ये दूसरी लेयर भी यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, ये दूसरी लेयर फॉर्म होगी। ओके, अच्छा, जो अंदर वाली इनर लेयर है वो तो क्या कराती है, फिक्स लेयर, और जो आउटर लेयर होगी वो क्या कराती है, डिफ्यूज लेयर। समझ आ गया, ये फिक्स लेयर और ये डिफ्यूज लेयर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्म हो रही है। ओके, अब अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब एनी प्लस क्या करेगा, आयोडाइड आयंस के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, एनी आई, सही है। कितने पार्टिकल हैं नहीं पता, तो जनरली हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, एन नंबर एनी प्लस है और एन ही नंबर आयोडाइड आयंस के हैं। तो ये दो लेयर आपस में कंबाइन होती है, मतलब मिक्स होती है, और मिक्स होने के बाद क्या होगा, मतलब जीरो चार्ज लेयर को हो जाएगी, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, एन पार्ट ऑफ सोडियम आयोडाइड। तो कहने का मतलब क्या है, चार्ज यहाँ पे न्यूट्रल, मतलब जो यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहे हैं उसको खत्म कर रहे हैं। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस थी कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन प्रोसेस। सर ना आगे होगा कि कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन क्या होता है, कोगुलेटिंग एजेंट क्या होता है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, फिर कोगुलेटिंग एजेंट की वर्किंग क्या होती है। जो कोगुलेटिंग एजेंट है वो कोगुलेशन में क्या काम करते हैं, चार्ज को खत्म करते हैं, कैसे करते हैं वो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। एक नोट में पीछे पढ़ा लिखा आप वैसे देख लो, अगर नेगेटिव कोलाइडर जोन हुआ, नेगेटिव कोलाइडर जोन हुआ तो भाई यहाँ पे जो एजेंट लोगे वो कैसे चलोगे, पॉजिटिव,
नेगेटिव पोलाइटर्स और पॉजिटिव पॉपुलेटिंग एजेंट, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रेश पिपटिंग हो जाएगा, ठीक है। पीछे पढ़ लिया भाई वैसे, अगर पॉजिटिव पोलाइटर्स हो रहे हैं तो हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव पॉपुलेटिंग एजेंट लेके चलना पड़ेगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा एंड इट यू फ्रेश पिपटिंग, ओके। तो ये कर लोगे। अब देखो एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, कोगुलेटिंग वैल्यू या फिर तो कोगुलेशन वैल्यू या प्रोगुलेशन वैल्यू, ये क्या होता है ये देखते हैं। हाँ भाई देखो, कोगुलेशन और प्रोगुलेशन वैल्यू क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये डेफिनेशन देखते हैं। ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक कोलाइडर हो, ठीक है, सबसे पहले बीकर लेके चले, इस बीकर में 1 लीटर क्वांटिटी भी दे रखी है, 1 लीटर कोलाइडर शो अपने पास होते हैं, ठीक है, कोलाइडर शो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, 1 लीटर कोलाइडर शो बीकर में पहुंचेंगे, हमें क्या करना है, इसका पॉपुलेशन करना है, मतलब इसको कन्वर्ट करना है फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करोगे, कोलाइडर शो को पीपीटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोगुलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, कोगुलेटिंग एजेंट की कितनी अमाउंट यहाँ पे एडिशन करें, और ये जो अमाउंट लेके चलोगे कोगुलेटिंग एजेंट की वो किस में लेके चलोगे, मिनिमोल में, मिनिमोल। कोगुलेटिंग एजेंट की कितनी अमाउंट, कितनी मिलीमोल अमाउंट इस कोलाइडर जोन के अंदर डिजोल्व करोगे जिससे कि ये कोलाइडर जोन पार्टिकल फ्रेश पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो अमाउंट होगी, ये अमाउंट क्या कहलाती है, कोगुलेटिंग या प्रोगुलेटिंग वैल्यू, या कहे तो कोगुलेशन या प्रोगुलेशन वैल्यू, समझ आया। द मिनिमम अमाउंट ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट in millimol that must be added into given 1 liter collider zone and give the fresh precipitate particles, then this amount is represent of coagulation or protocolation value, okay। samjhaya ki coagulating agent ki kitni milliamount quantity इस कोलाइडर शो के अंदर मिक्स करोगे, ऐड करोगे, जिससे कि ये आपस में रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल ओटेन होना चाहिए। तो उस केस में जो क्वांटिटी आप लेके चल रहे हो कोगुलेटिंग एजेंट की मिनिमोल के अंदर, तो वो क्वांटिटी कोगुलेशन वैल्यू या प्रोगुलेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी। तो यही हमने यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में लिख रखे हैं, the minimum amount of coagulating agent की minimum quantity किसमें होनी चाहिए, minimal में होनी चाहिए, that must be added, जो कहाँ पे add करें, collider zone में add करें, जब collider zone में इस quantity को add करोगे, तो add करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, fresh PPT form होना चाहिए। तो उस केस के अंदर ये जो quantity लेके चलोगे agent की, वो quantity इस value को represent करती है, सरमाया, ओके। एक नोट आता है, नोट ये है कि कोगुलेशन वैल्यू या प्रोगुलेशन वैल्यू जो भी है वो इनवर्सली डिपेंड करती है किस पे, कोगुलेशन प्रोसेस पे, ओके। कोगुलेशन वैल्यू या प्रोगुलेशन वैल्यू इनवर्सली डिपेंड करेगी किस पे, कोगुलेशन प्रोसेस या प्रोगुलेशन प्रोसेस पे, ओके। ये जो वैल्यू होगी वो प्रोसेस पे इनवर्सली डिपेंड करती है, कर लो भाई। तो ये है कोगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन। एक इम्पोर्टेंट लॉ आएगा इसके अंदर, वो हम कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, फिलहाल तो हमने केवल इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है किस टाइप की ये कोलाइडर शो को फ्रेश प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं और कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसमें जो सबसे बेसिक या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वर्किंग ऑफ
नहीं है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक के अंदर आते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये जो एजेंट है वो केवल चार्ज को न्यूट्रल करने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।